सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। मौत के दिन से ही मुंबई पुलिस इस बात को कह रही है कि सुशांत डिप्रेशन में थे, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। लेकिन हाल ही में कई ऐसे सबूत भी सामने आए हैं जिससे साफ हो रहा है कि सुशांत पूरी तरीके से ठीक थे। अब टीवी शो पवित्र रिश्ता के को डायरेक्टर कुशाल झावेरी के साथ सुशांत की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। मौत से करीब 2 हफ्ते पहले यानी 1 जून को सुशांत ने कुशाल को मैसेज किया। उन्होंने लिखा कि भाई कैसे हो, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और रॉकिंग होंगे, मिस यू, जय श्री शंभू सुशांत। कुशाल ने दूसरे दिन यानी 2 जून को रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा, तुम्हें सुनकर अच्छा लग रहा है भाई, हेल्थ तो ठीक है लेकिन स्ट्रगल तो हर किसी के लिए है, मैं अकेला तो नहीं, उम्मीद है तुम्हारे साथ भी सब सही होगा। सुशांत का जवाब आया, उन्होंने लिखा, मैं खुद पर आध्यात्मिक तौर पर काम कर रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी अपने बारे में सोचने के लिए बैठता हूँ तो हमारे साथ बिताए उन गोल्डन दिनों को बहुत याद करता हूँ, वो कितने बेशकीमती थे। उन्होंने आगे लिखा कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो काम हमने साथ किए वे ऐसे हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए और आगे बढ़ाने की राह तलाश करनी चाहिए ताकि हम हमेशा साथ रहें। लास्ट में सुशांत लिखते हैं, सिद्ध को भी मेरी तरफ से प्यार देना, उसे कहना कि मैं उसे मिस करता हूँ। लाइफ को लेकर पॉजिटिव थे सुशांत। सुशांत की मौत के बाद से दावा किया जा रहा है कि वो लंबे वक्त से डिप्रेशन में थे और किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। कई बार तो ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि वो मानसिक रूप से परेशान थे, लेकिन अब इस चैट से काफी नई बातें निकलकर सामने आई है। कुशाल के साथ बातचीत को देखें तो लग रहा है कि सुशांत अपनी लाइफ कैरियर को लेकर पॉजिटिव थे। इससे पहले भी उनकी डायरी से खुलासा हुआ था कि सुशांत ने अपने करियर के लिए काफी प्लानिंग कर रखी थी। ऐसे में उनके सुसाइड पर कई सवाल खड़े होते हैं। सुशांत के बॉडीगार्ड नवीन दलवी के मुताबिक सुशांत काफी जिंदादिल व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, मैंने बॉडीगार्ड के तौर पर उनके साथ महज 4 महीने काम किया है। सुशांत ने बिना बताए हैदराबाद जाने का प्लान किया, मुझे लगा कोई इवेंट होगा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि किसी झुग्गी झोपड़ी में जाकर कैंसर पीड़ित बच्चों से मिल रहे हैं। सुशांत ने उन बच्चों के मेडिकल का खर्चा भी उठाया था। दलवी ने कहा कि सुशांत सेल्फ मेड इंसान थे और खुदकुशी जैसा कदम वो नहीं उठा सके। फिलहाल इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि सुशांत की मौत का कारण क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्योदय।